सो फटाफट जाओ, डिस्क्रिप्शन खोलो, सभी सॉन्ग्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में, सारे सॉन्ग्स चेक करो। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करो, बिकॉज इस चैनल पे आपको सॉन्ग्स, कवर सॉन्ग्स, ओरिजिनल सॉन्ग्स, रैप सॉन्ग्स, डांस कवर्स, ऑडासिटी ट्यूटोरियल्स एंड म्यूजिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इक्वलाइजेशन के ऊपर, कि कैसे हमारे वोकल्स को हम इक्वलाइज करें। ये पूरा एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो होने वाला है इक्वलाइजेशन के ऊपर। ऑडासिटी गैन के पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी कंप्रेसर के ऊपर, कि कैसे हम वोकल्स को कंप्रेस करें, कंप्रेसर को कैसे अप्लाई करें। तो एक बार वो वीडियो अभी आप देख सकते हो अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इक्वलाइजेशन के ऊपर, कैसे हमें वोकल को इक्वलाइज करना। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने अपना ऑडासिटी सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने अपने एक रॉ वोकल्स, एक सैम्पल वोकल्स रिकॉर्ड कर रखे हैं, जो कि मैं आपको पहले सुनाऊंगा एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमें इस पर कैसे इक्वलाइज करना है। ठीक है, बहुत ईजी है, बिलीव मी यार, बहुत ज़्यादा ईजी है, इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जस्ट जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको फॉलो करते जाना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे रॉ वोकल्स को सुन लेते हैं एक बार। जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारे रॉ वोकल्स हैं एंड ये डोरेमोन थीम सॉन्ग है, जो कि काफी लोगों ने सुना होगा। एंड मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने इसका कवर वर्जन भी बनाया है। एक्चुअली हमारे चैनल पे एक पूरी कंप्लीट सीरीज है, नॉस्टैल्जिक फील सीरीज, जिसमें मैंने पुराने जितने भी हमारे बचपन के जो भी कार्टून चोजन के थीम सॉन्ग है उन सभी का कवर वर्जन बनाया है। तो एक बार उस सीरीज को जरूर चेक करना, आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। उसमें डोरेमोन, शिनचैन, बेंटेन, छोटा भीम, छोटा भीम का तो अभी नहीं आया, उसका आएगा, एंड निंजा हथौड़ी, सारे मैंने डाले हुए हैं। तो एक बार उसको जरूर आप चेक कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे एंड डेफिनेटली दे गोना टेक यू बैक टू योर चाइल्डहुड डेज। ओके, तो एक बार जरूर चेक करना सीरीज को, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो एक बार सारे सॉन्ग जरूर चेक करना, उन पर अपना फीडबैक जरूर देना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमें इक्वलाइज कैसे करना है, इन वोकल्स को इक्वलाइजेशन कैसे अप्लाई करना है। बहुत सिंपल है। तो इक्वलाइजेशन करने से पहले, जैसा कि आप देख सकते हो अभी रॉ है, एकदम रॉ साउंड कर रहे हैं। तो मैं पहले थोड़ा आपको ज्ञान दे देता हूँ इक्वलाइजेशन बताने से पहले, कि आखिर इक्वलाइजेशन होती क्या है। ठीक है, व्हाट इज इक्वलाइजेशन। तो बहुत ही सिंपल टर्म्स में बहुत ही इजीली आपको समझाऊंगा। देखो, एक्चुअली होता क्या है, जब भी हम वोकल्स रिकॉर्ड करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे वोकल्स में कभी कभार थोड़ा बेस ज़्यादा होता है या कभी कम होता है, या कभी ट्रेबल ज़्यादा होता है या कम होता है। तो इक्वलाइजेशन में हम क्या करते हैं, बेस अगर कम है तो हम उसको ज़्यादा करते हैं, अगर ज़्यादा है तो उसको कम करते हैं, एंड ट्रेबल के साथ भी सेम करते हैं, अगर ज़्यादा है तो कम, अगर कम है तो ज़्यादा। मेनली इक्वलाइजेशन में हम बेस और ट्रेबल के साथ चेंजेस करते हैं ताकि हमारे वोकल्स अच्छे साउंड करें। एंड वन मोर थिंग, इक्वलाइजेशन एक बड़ा प्रोसेस होता है, एक बहुत ही टेक्निकल प्रोसेस होता है, पर मैं इस वीडियो को एक हेल्पफुल वीडियो बनाना चाहता हूँ, इसको शॉर्ट रखना चाहता हूँ, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल नहीं बनाना चाहता हूँ। तो मैं आपको पूरा बहुत ही ईजिली समझाऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आए। ठीक है, मैं आपको जो बताऊंगा आपको उन स्टेप्स को फॉलो करना है ना, बहुत ईजिली अपने वोकल्स को इक्वलाइज कर पाओगे। ठीक है, एंड वन मोर थिंग यार, इक्वलाइजेशन वोकल्स पे भी डिपेंड करती है, बहुत बार डिफरेंट वोकल्स पे डिफरेंट तरीके से की जाती है। बट मैं आपको एक सैम्पल, थोड़ा सा एक नॉर्मल सा तरीका बताने वाला हूँ सैम्पल तरीके, जिससे कि आप अपने वोकल्स को बहुत अच्छे से इक्वलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारे रॉ वोकल्स हैं। अब इसे इक्वलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, आप इसको डबल क्लिक करेंगे, पूरा सिलेक्ट हो गया है। अब हम इफेक्ट्स में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको एक बेस एंड ट्रेबल का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, बट मैं पर्सनली मानता हूँ कि यार कहीं ना कहीं ये हमारी वोकल्स का जो फील है वो गायब कर देता है और उससे इतना अच्छा साउंड नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, हम नीचे जाएंगे और इक्वलाइजेशन जहाँ पे आपको जो इफेक्ट दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, देन हम सिंपली सिलेक्ट कर्व में जाकर बेस बूस्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको एक कर्व दिख रही है, आपको कुछ नहीं करना है, इस कर्व को थोड़ा सा आप बीच में ला सकते हो, थोड़ा सा अपने हिसाब से भी आप चेंज कर सकते हो, हालांकि मैं इसको बीच में लाऊंगा यहाँ पे। ओके, एक्सीलेंट। सो अब हम यहाँ पे सिंपली ओके पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे बेस बूस्ट हो चुका है, हमारे वोकल्स में बहुत अच्छे से बेस आ चुका है। मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूं। ओके, जैसा कि आपने देखा हमारे वोकल्स में बहुत ही अच्छे से बेस आ गया, हमारे वोकल्स काफी अच्छे साउंड कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ट्रेबल अप्लाई करेंगे, ट्रेबल लाएंगे इस वोकल्स में। तो फिर से डबल क्लिक करेंगे एंड इफेक्ट्स में जाएंगे, फिर से इक्वलाइजेशन में जाएंगे, सेलेक्ट कर में हम यहाँ पर ट्रेबल बूस्ट सेलेक्ट करेंगे। ओके, ट्रेबल बूस्ट, एंड यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, यहाँ पे बीच में लाएंगे। आप चाहो तो थोड़ा सा और आगे कर्स बढ़ा सकते हो, आप चाहो तो इस पर भी ला सकते हो अगर ट्रेबल बहुत कम है आपके वोकल्स में। हाउएवर मैं बीच में ही रखूँगा। ठीक है, देन हम सिंपली ओके पे क्लिक कर देंगे, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारे वोकल अच्छे से इक्वलाइज हो गए हैं। अब मैं आपको फाइनल रिजल्ट सुनाऊंगा एंड आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे वोकल्स। ठीक है, तो ये आफ्टर इक्वलाइजेशन है। ठीक है, तो आप सुनिए आप एक बार। जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारी वोकल्स काफी ज्यादा अच्छी साउंड कर रही हैं, एकदम क्रिस्प एंड क्लियर, तो इसे इक्वलाइजेशन कहते हैं। अब मैं आपको एक बार हमारे जो रॉ वोकल्स हैं वो भी सुनाता हूं ताकि आप डिफरेंस पता कर सको। ठीक है, मैं अंडू इक्वलाइजेशन करूंगा, फिर से अंडू करूंगा। अब ये जो आप सुनने वाले हो हमारे रॉ वोकल्स हैं बिफोर इक्वलाइजेशन। जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूं।
तो ये आपने बिफोर इक्वलाइजेशन सुना, अब मैं आपको आफ्टर इक्वलाइजेशन सुनाता हूँ, ठीक है? तो ये रहा आफ्टर इक्वलाइजेशन। जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूं। सो यू कैन सी द डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इक्वलाइजेशन कर सकते हो आपके वोकल्स के। आज की वीडियो सही था। एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रिवर्ब के ऊपर, कैसे प्रोफेशनल रिवर्ब लगाएं अपने वोकल्स में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आपके पास वीडियो पहुंच जाए। आई थिंक 2 या 3 डेज में आपके पास आ जाएगा। ओके, आज कौन सी 3 है ना, तो 6 तक आ जाएगा वीडियो, सॉरी 5 तक आ जाएगा आपके पास वीडियो। एंड आई होप कि आपकी इस वीडियो ने हेल्प करी होगी। अगर वीडियो ने आपकी हेल्प करी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, एंड कमेंट्स में अपना कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। एक बार मेरे को इंस्टाग्राम पे भी जरूर एक बार चेक करो, इंस्टाग्राम पे आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड एक बार पूरी ऑडासिटी ज्ञान सीरीज को भी आप चेक कर सकते हो, हमने पूरे ट्यूटोरियल्स बनाए हैं ऑडासिटी के ऊपर जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।